राधे राधे दोस्तों, हम आ गए इंदौर के म्यूजियम, जहां हम देखेंगे बहुत सारी नॉलेजेबल बुक्स एंड मटेरियल। तो आपको दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं राजस्थानी लुक। तो गाइज, हम लोग आ गए हैं, ये बताया था आपको, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। तो आप देखते, हाँ म्यूजियम आए तो देखो, आते से ये तोप मिल गया है, तोप का गोला, तोप का गोला। और यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं, थे पीयूष के लिए सबसे बैड न्यूज है। ये दे रहे हैं पीयूष, कितने पैसे लग रहे हैं टिकट के? 20 और 20 40। ये तो नेपाली है, इसके तो 400 रुपए लगे। विदेशी नागरिक 400 रुपए। फालतू की बात करने के लिए ना, इसके ऊपर बहुत मतलब बहुत टाइम, एकदम मतलब टाइम बहुत ही काम करने के लिए। वीडियो भी मैं ही बनाती हूँ, ठीक है ना। आज भी जयश्री आवरी और है विदेशी नागरिक 400। गर लगती तो मैं सुंदर हूँ, छोड़ो यार। मनगढ़ंत कहानी, वाओ कितना सुंदर है वो, देखो। ये छोरी हर जगह शुरू हो जाती है, फूल तोड़ लिया अंकल जी चिल्ला रहे। देखो गाइस, वो गणेश जी अच्छे नहीं लग रहे थे, ऐसे मैं घर से फूल लाना भूल गई। अभी वैष्णो देवी मंदिर में मैंने सारे फूल चढ़ा दिए, तो ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे। देखो ये भी, और तुमको, आपको पता है ना मैं कितनी बड़ी भक्त हूं। कुछ ज्यादा ही भोली है लड़की। तो यहाँ पे जो मूर्तियां हैं आप देख रहे हो, किसी की गर्दन नहीं है, बट ये सारे पत्थर से बने, बहुत ही सुंदर है। मतलब कि इतनी सुंदर चीजों को तोड़ने का लोगों को क्या मजा आता है यार। हमारी संस्कृति मतलब कुछ भी, देखो इसे तोड़ दिया है सबने, देखो ना पूरा तोड़ के रखा यार, क्या है मिलता है इनको। ये सिर्फ एक पत्थर से, ऐसी पत्थर से बने हैं ये, कितने सुंदर लग रहे। देखो इनको भी तोड़ दिया पत्थरों से, सारी मूर्ति बने। बुद्धा जी की मूर्ति कितनी सुंदर है, वाह। हाथों से इतनी अच्छी कलाकारी आज कोई नहीं कर सकता है, लेकिन सब तोड़ दिया है। कितना के तोड़ दिया है ये, देखो ना पूरा तोड़ दिया, देखो ना। चलिए, तुमको इसका इतिहास नहीं पता? इतिहास नहीं पता, ये अपने आप नहीं टूटी हुई है, ये तोड़ी गई है मुगलों के हाथ, मुगलों ने तोड़ी है। मुगलों ने क्यों तोड़ा? जब आए थे तो सारे मंदिर तबाह करे थे, तो उस समय किए गए। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं टूटी है, आगे आप चलोगे तो नंदी महाराज भी बहुत सारे टूटे हुए मिलेंगे आपको। ये नंदी महाराज है, इनको भी पूरा मतलब तोड़ा गया है। ये भगवान जी कौन है? पूरा म्यूजियम बहुत सुंदर है, हम लोग देखेंगे अब। ये हमारा प्यारा सा राजवाड़ा, इसे देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हम सबका राजवाड़ा। ये राजा लोग एक दूसरे को पत्र पहुंचाते थे, पीयूष का कहना है। हाँ शायद वही दिख रहा है। हाँ, इस टाइप के पत्र जाते थे। वाओ, ये दिखते किससे थे पियो? ये बिल्कुल हाथों से लिखा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है, देखो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मतलब कि हमें जो टीवी में दिखाते ना ऐसे करके कुछ नोट निकालते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोहे के, तांबे के, किसके? तांबे पे उतारा गया है, तांबे पे उतारा गया। तो ये भी सब नोट्स वगैरह है यहाँ पे लिखे, भाई साहब बहुत सुंदर है। देखो यहाँ पे क्या है, कॉइन की क्या है ये? नहीं कॉइन नहीं है, ये टोप के गोले का है, होलकर राज्य की मुद्राएं रखी है। होलकर मुद्राएं ऐसे बनती थी, मुद्रा है मतलब कॉइन रखते थे। हाँ, उसके ऊपर इसको रखते थे और फिर ठोकते थे। और तुमको वो ज्यादा नॉलेज है, तो ऐसे कॉइन बन जाते थे। देखो कॉइन, मुद्राएं मतलब ये चलती थी, कॉइन्स वगैरह, कितनी प्यारी, इतनी छोटी छोटी सी। बट ये मटेरियल क्या हो सकता है? गवर्नमेंट कॉइन्स, कॉपर था, चांदी, सोना। सोना कहाँ है? ये चांदी है, कितनी प्यारी लग रही है। ये सोने के, ये सोना है गाइस, ये सोना है, दिख रहा है?
गाइस देखो ये इतने इतने से बारीक बारीक से सिक्के भी चलते थे, मतलब बहुत छोटे। चुके हैं हम फॉसल्स वगैरह देखने, यहाँ सारे फॉसल्स रखे हैं। यहाँ सुबह सानू अभी देख रही है फॉसल्स, वो भी बहुत ध्यान से, उसका इंटरेस्ट वो ज़्यादा आ रहा है लग रहा है, वो वीडियो में भी ध्यान नहीं दे रही है। तो सानू कुछ ज्यादा ध्यान से देख रही है, अभी बहुत हैप्पी है सानू, अभी है ना सानू कुछ ज्यादा ही। सानू हो चुकी है बहुत ज्यादा गुस्से में क्योंकि इसके संग बहुत गंदा इंसिडेंस हुआ है, इसके संग हादसा हो चुका है। मैं भी तुम्हारा हाथ चला था। मैं बता नहीं सकता। भाग्य अपन ने वो रखा है, वो अपने लेके गए हैं अपनी मर्जी से। ये पत्थर की मूर्ति छोड़ दे, शिवाजी है सर तक। स्माइल बहुत ही सुंदर है, बट अब ये वीडियो को यहीं विराम देना पड़ेगा क्योंकि हमारी हो चुकी है मोबाइल की बैटरी लो। सो आज के लिए इतना ही, राधे राधे। ये ऐसी खुशबू यहाँ आ रही है, रियल म्यूजियम की खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू फ्रेग्रेंस आ रही है ना, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स की आती थी ना वैसी फ्रेग्रेंस आ रही है कि नहीं कैमरा में, आप बता दो। मेरी मम्मी को सर्दी हो गई है, सच बताऊं तो बस सर्दी हो सकती है। बहुत ही शानदार मूर्तियां हैं, सब जगह सुंदर है। वाओ देखो इनको, बच्चे को हाथ में लिया, इनकी मुंडी नहीं है, ये है माता इनकी। हमें ये देख के बहुत अफसोस होता है कि हम हमारी संस्कृति को बचा तो पाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही रही है कि हम उसको अब रिपेयर या हम वापस नहीं ले सकते उस चीज़ को, हमने बहुत ज़्यादा कुछ खोया भी है। देखो यहाँ पे एक मिनट, अंदर से कैसी दिखती है। हमारे राजाओं का इन्होंने ताज, सिंहासन, सारी चीजें ले गए और कुछ भी नहीं बचा, जो बचा कुछ है वो म्यूजियम में, और वो भी तोड़ फोड़ किया हुआ है, जो नहीं ले जा सकते थे वो सारी चीजें छोड़ दिए और वो भी तोड़ फोड़ किया हुआ है। तो ऐसा हुआ है हमारा इतिहास, मतलब बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ों के बाद हमें आज़ादी मिली है, और उसमें भी हम लड़ रहे झगड़ रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे।